Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the principles of motivation and strategies to enhance motivation. So let's start. First of all, motivation. देखिए अभी प्रेरणा पर आपसे बात हो चुकी है. अभी प्रेरणा का कंसेप्ट, अभी प्रेरणा की बहुत सारी थ्योरीज, मैस्लो की थ्योरी, आपका एल्डरफर की थ्योरी, आपकी हर्जबर्ग की थ्योरी, है ना, बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस हो चुकी हैं. सारी ही थ्योरीज लगभग डिस्कस हो चुकी हैं. फिर रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग भी मैंने आपसे बात करी थी, लेकिन एक जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन भी पूछ रखा है. तो ये मैंने आपको नहीं बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, देखिए नई कोई बात नहीं निकल के आएगी, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन अगर पूछा जाए आपसे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, या यही तीन लेके एक और डाल के पूछ दिया जाए कि विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो आपको पता होना चाहिए. तो मोटिवेशन क्या है सभी जानते हैं, फिर भी फिर से, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स. मतलब अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को स्टिमुलेट किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में, मतलब एक उद्दीपन के रूप में, उद्दीपक के रूप में, कि जिस पर कि वो प्रतिक्रिया करते हैं, पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, जिससे कि जो वांछित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करने के लिए उद्दीपक की तरह ये काम करता है मोटिवेशन. ठीक है, तो इसके तीन प्रिंसिपल्स ऐसे मिले हैं, बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ, मैंने जानबूझकर इसका टेक्स्ट नहीं लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब है, देखिए जितना भी ज्यादातर मोटिवेशन का जो आपको लिटरेचर मिलेगा वो मैनेजमेंट के फील्ड में मिलता है, और ये जो मोटिवेट ये करना चाहते हैं, ये अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं. क्यों? ताकि वर्क प्लेस में इनका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा इनको, बहुत आउटपुट होगा. हमने उसी थेरीज को क्लासरूम में हम ले आए हैं कि अगर विद्यार्थी मोटिवेट होगा तो उसका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, है ना. इसलिए आपको इन जनरल अगर आप इसका लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको सारे एग्जांपल्स मैनेजमेंट के तर्ज पे मिलेंगे, एम्प्लॉई के तर्ज पे मिलेंगे. तो आपको उसको बदलना पड़ेगा अपनी कक्षा कक्ष की स्थिति के हिसाब से. तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन में ये है कि यहाँ मैनेजर की भूमिका में कौन है, टीचर है मैनेजर की भूमिका में. तो टीचर जो कुछ भी मैनेज करे, जो कुछ भी अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैनेज करे, उसमें विद्यार्थी को पार्टिसिपेशन उसका कराए. मतलब इसके दो तरीके से आप अर्थ निकाल सकते हैं, एक तो ये कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे स्टूडेंट जो भी लर्निंग प्रोसेसेस चल रही है, एक्टिविटीज चल रही है क्लासरूम में. दूसरा ये कि जब आप प्लानिंग करें लेसन की तब भी उसका पार्टिसिपेशन सीख करे, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे, मतलब ये नहीं कि सिलेबस तो आपके पास है ही थोड़ा बहुत, मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन आप उनका भी व्यू पॉइंट ले सकते हैं कि इस वाले टॉपिक को किस मेथड से पढ़ाया जाए. मतलब उनका, उनको लगेगा कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लानिंग में भी, एक्टिविटीज में भी, हर पीयर ग्रुप इवेल्युएशन करवा दीजिए, इवेल्युएशन में भी, तो वो मोटिवेटेड होंगे, और वो मोटिवेटेड होंगे तो वो अच्छा सीखेंगे. फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वही बात कि ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि बस आप ही बोल रहे हो और कोई बोल नहीं रहा है. डायलॉग होना चाहिए क्लास में, बच्चे को ये फील होगा कि वो कम्युनिकेट, उसके कम्युनिकेशन की वैल्यू है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, आप आंसर कर रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड होगा क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन होगा तो ही तो पार्टिसिपेशन होगा ना. और प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी कह रहा है कि अथॉरिटेटिव तो देखिए हमको रहना ही नहीं है, अब तो पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया सब कुछ, तो हम क्या करें कि अपने नीचे, जैसे कि मान लीजिए हम टीचर हैं, फिर हमने क्लास मॉनिटर बना दिया, फिर हमने कुछ ग्रुप्स के कैप्टन बना दिए, फिर उसमें से भी किसी किसी को, मतलब हम एक जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट की जो बात होती है कि विकेंद्रीकरण कर दीजिए शक्तियों का, उसी तरह से कक्षा कक्ष में भी करिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, अपने अधिकार नीचे 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 देते जाइए. तो उससे क्या होगा, उनको लगेगा कि वी फीलिंग आएगी कि वी आर वैल्यूड, है ना, हमारी भी वैल्यू है हम, तो वो मोटिवेटेड होंगे क्लासरूम में. कम से कम आपकी अटेंडेंस की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो स्टूडेंट्स अटेंड ही नहीं करते हैं क्लासेस, है ना. तो मतलब कि डेलीगेटेड अथॉरिटी, है ना, आपने इसको प्रत्यायोजित का अधिकार कुछ ऐसे करके है हिंदी में, थोड़ा टिपिकल आप देख लीजिएगा. तो इस तरह से अगर आप उनको पार्टिसिपेशन उनका सीख कराएंगे, उनको कम्युनिकेशन के मौके मिलेंगे, उनको अथॉरिटेटिव अथॉरिटी में कुछ आप उनको कुछ कुछ अधिकार दे देंगे, तो वो अपने आप को, वो मतलब स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे क्लासरूम में.
मोटिवेशन का रोल लर्निंग में क्या, ये बताने की जरूरत नहीं है, इस पर आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ। लर्निंग का जो सबसे फोर मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मोटिवेशन। अगर छात्र मोटिवेटेड होगा तो विपरीत परिस्थितियों में भी सीखेगा। ठीक है, अब ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं मोटिवेशन के, जैसे इंसेंटिव मोटिवेट्स लर्निंग, हमने ये भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि मोटिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। तो इंसेंटिव हम कुछ देंगे, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको उनको गोल नहीं पता है कि वो पढ़ लिख के अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उनको क्या उनका एम फुलफिल होगा, तो हम उनको छोटा छोटा इंसेंटिव देते हैं। आज तुम होमवर्क करो तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तुम अच्छे नंबर से पास हो गए तो तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, मूवी दिखाएंगे, मॉल ले चलेंगे, जो भी आप उनको इंसेंटिव देते हो तो ये लर्निंग को मोटिवेट करते हो, कहते हैं चलो अच्छा अच्छे से कर लेते हैं तो फिर हमको ये मिलेगा। ओके, देन इंटरनल मोटिवेशन इज लॉन्गर लास्टिंग एंड मोर सेल्फ डायरेक्टिव देन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए जो इंटरनल इंटरनल मोटिवेशन का मतलब कि हम खुद ही से मोटिवेट हैं, हमको कोई इंसेंटिव नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, पर हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट उससे जुड़ा हुआ है, हमारी प्रेस्टीज उससे जुड़ी हुई है, तो ये जो इश्यूज होते हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब हमेशा ज्यादा समय तक आपके संग रहेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ठीक है, इंसेंटिव मिल रहा है तब तक करना है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है, ऐसा इंटरनल मोटिवेशन के साथ नहीं है। विच मस्ट बी रिपीटेडली रीइंफोर्स्ड बाय प्रेज और कॉन्क्रीट रिवॉर्ड्स। और इंटरनल मोटिवेशन को भी प्रेज या कॉन्क्रीट रिवॉर्ड से, मतलब आप स्वयं को भी प्रेज कर सकते हैं, स्वयं को भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, है ना, कि आज बहुत अच्छा काम हुआ है तो आज अपने आप को ये इनाम देते हैं। तो इस तरह से इंटरनल मोटिवेशन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उससे ज्यादा लास्टिंग होता है। मोटिवेशन इज एनहांस्ड बाय हाउ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड। आप किस तरह से क्लास में गए हैं, कितनी प्रिपरेशन के संग गए हैं, कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थी अगर होंगे कक्षा कक्ष में तो उनको अच्छा लगेगा और वो भी प्रेरित होंगे कि आगे भी आपकी क्लासेस अटेंड करनी है। और अगर आप पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लेके क्लास में जाएंगे तो जो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स है वो और डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न। आपको थॉर्नडाइक के लर्निंग के लॉज याद हो तो रेडी टू लर्न, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि छात्र तैयार होना चाहिए तभी उस पर कोई भी आपका मतलब कि पैतरा काम आएगा, नहीं तो नहीं। बोथ एफिलिएशन एंड अप्रूवल आर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मोटिवेटर्स, है ना, कि हमने हमारी संबद्धता, जैसे हम कहें कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से ये काम करता है ना, ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे मैं करती हूँ, तो एफिलिएशन एंड अप्रूवल, हर आदमी उसको अप्रूव कर रहा है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, तो एफिलिएशन एंड अप्रूवल जो है दोनों ही अच्छे अभिप्रेरक, मजबूत अभिप्रेरकों की भूमिका में होते हैं। यूज ए ग्रुप कोऑपरेशन गोल टू मैक्सिमाइज लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन शेयरिंग। ऐसे भी किया जा सकता है कि आज हम इस क्लास का उस क्लास के संग कॉम्पिटिशन है, आपको भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपको भी प्रोजेक्ट बनाना है, देखें किस क्लास का अच्छा बनता है। तो ग्रुप कोऑपरेशन जब आ जाता है तो हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें और चाहते हैं हमारा ग्रुप जीते, है ना। क्रिकेट मैच है, हम वहां खुद नहीं खेलने जा रहे हैं लेकिन हमें लगता है नहीं इंडिया को जीतना चाहिए, तो हम एकदम इन्वॉल्व कि बस इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, ना हम खेल रहे हैं ना खिला रहे हैं ना हमको कोई एक पैसे का लाभ है उसमें, लेकिन चूंकि वी फीलिंग है, कोऑपरेशन ग्रुप की भावना है कि हम भी भारत के वासी हैं और भारत की किसी भी कोने में कोई भी अगर कोई ऐसा अचीवमेंट किसी भी ने भी किया है तो वो अच्छा लगता है कि वो भी भारत का है, हम भी भारत के हैं। फिर प्रोवाइड कंसिस्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग मास्टरी ऑफ लर्निंग, आपको लगातार प्रतिपुष्टि देते रहने हैं, आपको पता है, आपको थॉर्नडाइक ने बताया है, थॉर्नडाइक साहब की ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेक लर्नर रिएक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्लेइंग एंड स्टिमुलेशन। जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, उसका रिएक्शन और इन्वॉल्वमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट होता है, तो हमको उसको साथ में लेके चलना है। और रिड्यूस और रिमूव कंपोनेंट्स ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट दैट लीड टू फेलियर और फियर, मतलब इनके कहने का मतलब कि आप पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दीजिए, पनिशमेंट से नहीं रीइन्फोर्समेंट से मोटिवेट कीजिए स्टूडेंट को। ओके, तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके बाद है कि मोटिवेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन और स्ट्रेटजीज फॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को किन तरीकों से आप बढ़ा सकते हैं और एक्सट्रिंसिक को किन से बढ़ा सकते हैं। तो इंट्रिंसिक चूंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ गया तो आप जरूर अच्छा करेंगे। तो क्रिएटिंग चैलेंजेस, बच्चे के सामने, स्टूडेंट के सामने चैलेंज क्रिएट कीजिए तो वो उसका मन करेगा कि नहीं ये कर लेना है, इसको हासिल करना है, ये चैलेंज अच्छा उन्होंने मुझे चैलेंज किया मैं करके दिखाऊंगा। फिर प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी, थोड़ी उनको स्वायत्तता दीजिए, थोड़ा उनको फ्रीडम दीजिए जिससे कि उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आए। फिर इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियस उनको बनाइए कि ये ऐसे, मतलब क्लास, कोई क्लास ऐसे जैसे नहीं सीरियल्स कैसे हैं,
कैसे वो खत्म होते हैं, ऐसी जगह खत्म होते हैं जहाँ लगता है अरे यार अभी खत्म हो गया, अभी पता चल गया था कि कल क्या होने वाला है। ऐसी ही क्लास होनी चाहिए कि ऐसे पॉइंट पे खत्म हो कि अगले दिन बच्चा खुद ही उत्साहित हो और वो क्यूरियस हो, उत्सुक हो कि हमको क्लास अटेंड करनी है और आज पता चलेगा उस प्रश्न का उत्तर जो कल अधूरा छूट गया था। तो इस तरह से इंट्रिंसिकली मोटिवेशन हम डाल सकते हैं स्टूडेंट के अंदर, डेवलप कर सकते हैं। फिर कोऑपरेशन, बात हो चुकी है ग्रुप कोऑपरेशन की। कंपटीशन, अगर हेल्दी कंपटीशन है क्लास में। वर्किंग टुवर्ड्स ए ग्रेटर गुड और हायर पर्पस, है ना। मेरे इंडिविजुअल फील्स दैट ही और शी इज वर्किंग फॉर ए ग्रेटर गुड और हायर पर्पस, देन दिस विल आल्सो सर्व एज एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर एंड विल एनहांस द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू परफॉर्म। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपसे कहा जाए कि अगर ये हो गया तो देश को कितना फायदा होगा, तो आपको लगेगा ये हमारी और मेहनत करें, अगर और मेहनत करें, अगर और, जैसे वो राम लला जी का जो स्कल्पचर बनाया उन्होंने, कितना ग्रेटर गुड और हायर पर्पस था, पूरी दुनिया अब उनको पूज रही है, तो उनके अंदर ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहा होगा कि और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया बनाए, एकदम सटीक बनाए, हूबहू बनाने की कोशिश करें, है ना, इस तरीके की बातें। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो दिख रहा है, जैसे रिकॉग्निशन कि आप ये करेंगे तो क्लास मॉनिटर बना दिए जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे, ग्रुप के लीडर हो जाएंगे, इस तरीके का। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, यानी कि इसको आप फाइनेंशियल इंसेंटिव भी कह सकते हैं। फिर पनिशमेंट, सिमिलर टू रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स कैन आल्सो लीड टू एन इंडिविजुअल बीइंग मोटिवेटेड कि ऐसा ना करें नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए भी मोटिवेशन मिलता है। और एक्सटर्नल प्रेशर, अगर प्रेशर फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स इन वंस लाइफ, जैसे कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने कह दिया कि ये करना है तो आप फिर वही करेंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट अदर्स ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जाके मतलब मोटिवेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन रह गया था। आई आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, सो आई हैव कवर्ड दिस वन टू इन दिस वीडियो एंड आई हैव रिपीटेडली इन दिस वीडियो आई रिपीट द स्ट्रेटजीज टू एनहेंस मोटिवेशन बिकॉज दिस टाइम आई हैव गॉट द लिटरेचर इन रिगार्डिंग टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सो आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन दिस कंटेंट इन दिस टॉपिक, ओके। So, in this way, I think, I feel that I have completed the concept of motivation in a holistic manner. So, thank you, and don't forget to like and subscribe my channel. Explore Education. I have done from my side.